हेलो गाइस, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। चलो आज गाइस देखते हैं हमारे इस वर्ल्ड के अंदर हम क्या करने वाले हैं। माइनक्राफ्ट खेलेंगे हम गाइस। वर्ल्ड के अंदर हमारा अंडरग्राउंड बेस होगा जिसमें हम आपको दिखाएंगे कैसा बेस है हमारा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने वर्ल्ड को जनरेट हो रहा है। जब तक आप देख सकते हो कैसा लगेगा हमारा ये बेस, प्यारा सा दिखाएंगे हम आपको। जल्दी से हो जा लोड माय वर्ल्ड। चलिए हमारे सामने एक गोलम दिखाया, गोलम को मारना चाहिए मेरे को। अभी मैं मारूंगा वन शॉट, तो मैं नहीं कर पाऊँगा यार, वन शॉट नहीं कर पाऊँगा। वैसे मैं इसे मैं मार के जरूर रहूँगा। मारा इसने, अरे मेरे पास आ क्यों नहीं रहा। अरे हाँ, जब मैंने घर बना रहा था क्रीपर वगैरह आ करना पार्ट से, काफ़ी सारे क्रीपर उसमें मैंने यूज़फुल कर दिया था गेम। चलो आयरन मिल गया मेरे को, एक बकेट बनानी थी मेरे को। वैसे तो रखी होगी चेस्ट वगैरह में, पर इतना टाइम नहीं है ना मेरे पे। आयरन मिल गया तो ठीक है, अब है ना। मैं गड्ढे में गिर गया यार, गलती से गड्ढे में गिर गया मैं। चलो ऊपर चलते हैं अपने उसमें बेस में, ऊपर बेस के अंदर चलेंगे। पूरा बेस हमारा सामने प्यारा सा, आपको चारों साइड का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। देख सकते हो गाइस आप हमारा ये बेस, ये हमारा ये गंदा सा विलेजर फिशरमैन वाला जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी क्या ट्रेड करता है हमसे ये हमारा। देखो देख सकते हो आप बेस हमारा कैसा लग रहा है आपको, कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। देख सकते हो अंदर का थोड़ा सा माल पानी दिख रहा है क्योंकि मैंने ग्लास लगा रखे हैं अंदर, आर्मर वगैरह रखे हैं और भी सारी चीज़ें रखी हैं मैंने अंदर। सो जाते हैं फिर सुबह उठ के ज़रा बताता हूँ और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये रात में अच्छे से दिख नहीं रहा होगा और दिन का व्यू अलग से दिखता है फिर अच्छा और भी ज़्यादा। जैसे देख सकते हो चेन आर्मर, डायमंड आर्मर, लेदर आर्मर, गोल्ड आर्मर, ये चारों मैंने लगा रखे हैं बट विदाउट एन्चेंटेड है ये। ये चले जाना मेरे सुकाय को देख रहा भाई, तेरे को नहीं दिखा रहा, मैं अपने व्यूअर्स को दिखा रहा हूँ। देख सकते हो भाई फर्नेस वगैरह, ब्लास्ट फर्नेस ये सब है, बैरल लगाए थे मैंने। चेस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं लगाई, दो ही चेस्ट, चार चेस्ट लगाई हैं साइड साइडों में। ये एनविल हो गया, स्मिथिंग टेबल, क्राफ्टिंग टेबल एंड एक बगल में चेस्ट लगाई है, उसके अंदर हमारी ये इंचेंटिंग, वो इंचेंटेड बुक होंगी हमारी उसके अंदर। ये हो गया, यहाँ से नीचे हमारा एक बेस है, बेस में जाएंगे हम, चेस्ट है हमारी, इसके अंदर चलते हैं बेस में। बेस में अच्छा नीचे है रहा, चलो बेस में आ गए हम। पूरा डायमंड एंड गोल्ड बेस है हमारा ये, आप देख सकते हो जैसे कि डायमंड एंड गोल्ड बेस को। ये हमारा नेदरराइट पोर्टल, ये हमारा ये लेदर इंचेंटेड आर्मर, गोल्ड का इंचेंटेड आर्मर, आयरन का इंचेंटेड आर्मर, नेदरराइट का इंचेंटेड आर्मर, गोल्ड डायमंड एंड चेन का इंचेंटेड आर्मर आप देख सकते हो। ये हमारा इंचेंटेड टेबल है आप देख सकते हो, इसमें ये हमारा नेदरराइट का आर्मर है बट ये फुल इंचेंटेड नहीं है, वो जो सारे आर्मर है वो फुल इंचेंटेड है, ये वाला नहीं है बट इसमें प्रोटेक्शन और एस्पिरेशन लग रखी है। ये मैंने इसी करा था ना इस वाले टेबल से इंचेंट, इस वजह से। ये हमारा ये ट्रेडिंग हॉल, विलेजर ट्रेडिंग हॉल है हमारा, इसमें सारे फिशरमैन रखे हैं, मेरे को ये पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने इसमें यही रखे हैं, नहीं तो मैं दूसरे वाले रखता हूँ। नहीं मैं मार सकूँ इस वजह से रख रखता हूँ, मेरे को पसंद नहीं है ना ये। और आप देख सकते हो कैसा लग रहा है हमारा ये प्यारा सा बेस। ये हमारा ये सामान रखा है, एलाइट्रा, ये स्वॉर्ड, टोटम्स, ट्राइडेंट और नहीं बैरल्स लगा रखे मैंने, चेस्ट नहीं लगाई क्योंकि बैरल्स की अलग ही लुक आती है यार, चेस्ट की थोड़ी आती है बट बैरल्स की अलग ही आती है इसके अंदर, इस वजह से मैंने ये लगा रखा है। और ये हमारा हो गया, ये आर्मर्स हो गए, ये डायमंड और गोल्ड से बना हुआ बेस है ये हमारा, देख सकते हो गाइज। ये हमारी एग्ज़िट हो गई गाइज, एग्ज़िट है ये हमारी, यहाँ से हम बाहर निकल सकते बट अभी हम बाहर निकलेंगे नहीं। आपको पूरा अच्छे से टूर तो करवाएं अपने बेस का, है ना। ये बेड था, बेड पे सो सकते हैं हम आके। ये मैंने सजाने के लिए वाले फ्लावर टाइप के लगाए थे, क्या नाम है इसका आई डोंट नो बट आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ये क्या है, आर्मर शार्पनेस 3 और अनब्रेकिंग 3 मैंने अपने स्वॉर्ड में लगा रखी है, आप बताइएगा स्वॉर्ड की इंचेंटमेंट कमेंट में ज़रूर। चलिए बाहर निकलते हैं, अब हम काफ़ी बेस दिखा चुके हैं, ये बाहर निकलने का रास्ता है वो भी सीक्रेटली। चलिए हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, ऐसे यूँ उसे खोलना है, ओपन करना है। मैंने सोल सैंड वाला
बेस बनाया, मतलब स्विट्जरलैंड वाला बाहर निकलने का रास्ता बनाया। ये जाते नहीं क्या यहाँ से? क्या देख रहा भाई ज़मीन में कुछ है क्या भाई? मत देख, क्या देख रहा है तू? देखो गाइस, मैंने आपको जैसे कि बताया था, ये 10 कुल के अंदर एक एमरल्ड देते हैं जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप देख सकते हो विलेज के सामने ही बनाया मैंने ये। कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप देख सकते हो कैसा लगा ये हमारा प्यारा सा, लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और ये हमारा ये ऊपर एक गलत टॉर्च लगा रखे हैं, लालटेन ये हमारा है। ये कैसा लगा ज़रा पीछे से दिखा देते हैं, पीछे से व्यू देखते हैं इसका। पहाड़ पे चलते हैं इसका व्यू दिखाने के लिए, पहाड़ पे दिखाएंगे। पहाड़ पे आ गया मैं, ये देख सकते हो आप व्यू कैसा लग रहा है। यहाँ का व्यू देख सकते हो गाइस आप, कैसा लग रहा है हमारा ये बेस। दूर से कुछ अच्छी लुक आ रही है इसकी। और बताओ, ये हमारा प्यारा सा टॉप व्यू। यहाँ से मैं अब कूदने वाला हूँ, आप देख सकते हो। ढंग के MLG तो नहीं हो पाएगी बट कूद जाएंगे। ये टाइम पर था पर हो नहीं पाया, कोई बात नहीं, आगे फिर कभी करेंगे। चलिए गाइस आप देख सकते हो हमारा ये। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं फिर हम आपको। देखो बाय, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।